हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कुक एंड बेक विद अनामिका। आज हम बनाने वाले हैं सबकी बेहद मनपसंद 5 मिनट वॉलनट ब्राउनी, जो बेहद आसान है और 5 मिनट में माइक्रोवेव में बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने आधा कप जितना मैदा लिया है और आधा कप आटा लिया है। आप चाहे तो फुल कप मैदा ले सकते हैं या तो फुल कप आटा ले सकते हैं। हाफ कप मैंने पाउडर शुगर लिया है। नॉर्मल शुगर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। 100 ग्राम्स मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। ये मैंने मोडे ब्रांड का डार्क कंपाउंड लिया है। ये डार्क कंपाउंड है और ये वाइट कंपाउंड है। जो मार्केट में अवेलेबल है आप कोई भी डार्क कंपाउंड ले सकते हैं। 100 ग्राम्स डार्क कंपाउंड लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। वनीला एसेंस, वॉलनट्स और 80 ग्राम्स जितना मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। ये बटर को मैंने फ्रिज में से 2 घंटे पहले ही निकाल के रख लिया था। बिग बोल के अंदर आधा कप मैदा और आधा कप आटा ले लेंगे। 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। वन टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 100 ग्राम जो मैंने डार्क कंपाउंड लिए हैं, इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मेल्ट करने रखूंगी और फिर से दोबारा से 30 सेकंड माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए रख दूंगी। अगर आप माइक्रोवेव का यूज़ करना ना चाहें तो डबल बॉयलर की हेल्प से आप गैस पर भी रख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में कंटिन्यूसली इसे ना रखें, 30 सेकेंड के इंटरवल में ही रखिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और चॉकलेट को एक बार हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसमें मैंने करीबन 3/4 कप जितना दूध लिया है। ये सब रूम टेम्परेचर पर ही है, दूध को मैंने गर्म नहीं लिया है और ना ही ठंडा लिया है। अब इसे हम धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें फुल मैट मिल्क का यूज किया है। फुल फैट मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 80 ग्राम जितना मैंने अनसॉल्टेड बटर है वो डाल दूंगी। अगर आपके पास में बटर अवेलेबल नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। हमें इसे ऐसे ही थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अंदर 4-5 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डाल देंगे। अब इसके अंदर जो डार्क कंपाउंड मैंने मेल्ट करी थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। अब ये माइक्रोवेव का मैंने बोल लिया है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है। आप चाहे तो कांच का बोल भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है और ये सारा बैटर इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद में
हल्का सा इसे टैप कर देंगे ताकि इसकी सारी एक्सेस एयर हम निकाल दें। सारी एक्सेस एयर को निकाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा वॉलनट डाल देना है। अब एक चम्मच की मदद से हम सारे वॉलनट्स को हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि बेक होते हुए वो अलग ना हो जाए। अब अपने माइक्रोवेव में आपका जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रखिए और इसे 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दीजिए। दोबारा से एक बार टैप कर लेंगे। 5 मिनट के लिए रख दिया है मैंने, 5 मिनट हो गया। देखते हैं कि ये पका है कि नहीं। टूथपिक डाल के देखेंगे, आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर आ गया है, यानी ये बन गया है। अगर आपको लगे कि ये 1-2 मिनट और अगर नहीं पका है तो 1-2 मिनट के लिए और दोबारा से आप रख दीजिए। अब इसे प्लेट में टर्न कर देंगे, डीमोल्ड कर देंगे। देखिए कितना इजीली निकल चुका है और कितना सॉफ्ट बना है। अब मैंने डार्क कंपाउंड को पहले से ही मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है माइक्रोवेव में। और आप कोई भी डिस्पोजेबल कोन ले लीजिए या तो चम्मच की मदद से भी आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इस तरह का डिस्पोजेबल कोन लिया है। आपके पास में नहीं है तो आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके डाल दिया था। अब इसे काट लेंगे और इस तरह से हम जिगजैग डिज़ाइन कर देंगे। आप चाहें तो इसे सिंपल भी खा सकते हैं। इसके अंदर मैंने व्हाइट कंपाउंड को हल्का सा ग्रेट कर दिया है। आप चाहे तो इसे मेल्ट करके भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप अपने मनपसंद चॉकलेट चिप्स या वॉलनट्स, कोई भी चीज डेकोरेशन की आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैं स्क्वायर पीसेस में से काट लूंगी। मैंने ऊपर से थोड़े से वॉलनट्स और चॉको चिप्स डाले हैं। तैयार है आपके मनपसंद वॉलनट ब्राउनी, जो 5 मिनट में बेहद आसानी से बन जाती है। Thank you.